म्यांमार में 32,000 भारतीयों के बीच पीएम मोदी ने कहा, भारत म्यांमार की सीमाएं ही नहीं भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। आज भारत की आवाज दुनिया में सुनाई देती है। म्यांमार में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम नया भारत बनाने में जुटे हुए हैं। गरीबी सांप्रदायिकता मुक्त भारत बनेगा। हमें दुनिया में बसे भारतीयों की हमेशा चिंता है। म्यांमार के यंगून में भारतीयों से पीएम मोदी ने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े फैसले बिना किसी डर के लिए देशहित में बड़े और कड़े फैसले लेने से कतराते नहीं हैं। हमारे लिए देश राजनीति से बड़ा। दो दिन के म्यांमार दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा, भारत म्यांमार के साथ चलने को प्रतिबद्ध। म्यांमार के 40 मछुआरों को रिहा करने की बात कही। आपको बता दें कि म्यांमार में करीब 25,00,000 भारतीय रहते हैं। इससे पहले म्यांमार दौरे पर गए पीएम मोदी ने स्टेट प्रीमियर आंग सान सू की से मुलाकात की। बातचीत में पीएम मोदी ने रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन को लेकर अपनी चिंता जताई। कहा, उम्मीद है जल्द ही शांति से इसका समाधान निकलेगा। म्यांमार में भागकर करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान भारत आ चुके हैं। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में अल्पसंख्यक माने जाते हैं और उन्हें वहां की नागरिकता नहीं मिली है। यूएन के मुताबिक करीब 1,23,000 म्यांमार के शरणार्थी बांग्लादेश जा चुके हैं। भारत और म्यांमार के बीच करीब 11 अहम समझौते हुए। पीएम मोदी ने म्यांमार के लोगों के लिए भारत का ग्रेटेस्ट वीजा देने का ऐलान किया। इनमें समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधित समझौते भी शामिल हैं। 3 दिवसीय यात्रा पर रूस गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात। सुषमा ने यहां भारत रूस बिजनेस डायलॉग के तहत ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा मामलों पर बातचीत हुई। बेंगलुरु में महिला पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। गौरी ने 15 दिन पहले ही घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। लंकेश की हत्या की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का किया है गठन। बेंगलुरु में वरिष्ठ महिला पत्रकार गौरी लंकेश की कल रात अज्ञात हमलावरों ने उनके राजेश्वरी नगर स्थित आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के शिकार हुए पत्रकार गौरी लंकेश के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। गौरी के भाई इंद्रजीत ने कहा, गौरी ने किसी भी तरह की धमकी की बात नहीं कही थी, वो निडर पत्रकार थी। 55 साल की गौरी लंकेश अपने कट्टर दक्षिणपंथ विरोधी विचारों के लिए मशहूर थी। एक लेख को लेकर कर्नाटक के हुबली की अदालत ने पिछले साल मानहानि के केस में उन्हें दोषी करार दिया था। गौरी लंकेश पत्रिका की संपादक थी। उन्होंने नक्सलियों के पुनर्वास के लिए भी काफी काम किया था। पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से 24 घंटे में मांगी है रिपोर्ट। सीएम सिद्धारमैया ने सीबीआई जांच पर कहा, डीजीपी राज्य के गृहमंत्री से बात कर करेंगे फैसला। पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कहा, विवाद में बिना वजह बीजेपी को किया जा रहा है बदनाम। दोषियों को हवालात के पीछे क्यों नहीं डालती कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या पर राहुल गांधी ने दुख जताते हुए मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। कहा, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। राहुल ने पीएम से पूछा, गौरी लंकेश की हत्या पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं? पीएम मोदी मौसमी हिंदुत्व के नेता हैं। उधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की निंदा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद करती हूं इसकी तेजी से जांच की जाएगी और न्याय होगा। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन यानी कि बीईए ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की निंदा की। कहा, सरकार फौरन कार्रवाई करते हुए गौरी के दोषियों को जल्द पकड़े। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के विरोध में दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बड़ी संख्या में पत्रकारों का प्रदर्शन। हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग। गौरी लंकेश की आत्मा की शांति के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन। चेन्नई और बेंगलुरु में भी पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के खिलाफ पत्रकारों का प्रदर्शन। पत्रकारों ने हत्या की निंदा करते हुए हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। पाकिस्तान और चीन से तनाव के बीच सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा, सेना ही नहीं पूरे राष्ट्र को युद्ध के लिए रहना चाहिए तैयार। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने श्रीनगर में 11 और दिल्ली में 5 जगहों पर छापेमारी की। एलओसी पर व्यापार करने वाले 80 व्यापारी एनआईए के रडार पर। कश्मीर के सबसे बड़े कारोबारी जहूर बताली से पूछताछ के बाद पड़े छापे। सड़क हादसों को लेकर परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में पिछले साल हर घंटे 55 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की मौत हुई, यानी रोजाना सड़क हादसे में 417 लोगों की जान गई।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी की बैठक में बड़ा फैसला, दिल्ली के ताज मानसिंह, एशियन और होटल कनॉट की नीलामी की जाएगी, इन होटलों की लीज खत्म हो चुकी है। ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, कार्यकर्ताओं ने शाह के स्वागत में रैली निकाली। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में मासूम बच्चों की मौत के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं ने आज इलाहाबाद में सीएम योगी का काफिला रोककर उन्हें काले झंडे दिखाए, सुरक्षा कर्मियों ने विरोध कर रहे एसपी कार्यकर्ताओं को पुलिस को सौंपा। लखनऊ मेट्रो पहले दिन ही हुई खराब, ढाई घंटे तक आलमबाग स्टेशन पर खड़ी रही मेट्रो, खराबी आने के बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, मेट्रो प्रबंधन ने तकनीकी खामी वजह बताई, हालांकि एक लाइन पर मेट्रो की सेवा चालू है लेकिन दूसरी लाइन बाधित रही। लखनऊ मेट्रो को लेकर सियासत तेज, अखिलेश यादव को श्रेय नहीं दिए जाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेट्रो स्टेशन पर जमकर किया हंगामा, पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज। लखनऊ मेट्रो में आई खराबी को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कसा तंज, लिखा लखनऊ मेट्रो तो पहले से ही बनकर तैयार थी, भारत सरकार ने एनओसी देने में इतना लंबा वक्त लिया फिर भी पहले दिन मेट्रो ठप हो गई। हाल ही में खेल मंत्री बने राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का किया औचक निरीक्षण, राठौर ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कैंटीन का भी उन्होंने मुआयना किया। गुजरात में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य सरकार कई योजनाओं का तेजी से उद्घाटन करने में जुटी हुई है, 14 सितंबर को पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे करेंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास, पहले बुलेट ट्रेन का काम 2018 में शुरू होना था। अहमदाबाद में सीएम विजय रूपाणी ने नर्मदा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, आज से 15 सितंबर तक राज्य में घूमेगा नर्मदा यात्रा रथ, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी नर्मदा डैम का करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में लड़कियों के सरकारी गर्ल्स हॉस्टल की हालत बेहद खराब, लड़कियों को मिलने वाले खाने में मिले कीड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम में शिवराज सरकार ने खोले हैं गर्ल्स हॉस्टल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमपी के शहडोल में सरकारी अस्पतालों में केवल अगस्त महीने में 36 मासूमों की मौत, कमिश्नर ने कहा अस्पतालों से मंगाई है मौत के कारणों की वजह पर रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली में फरियाद लेकर आई 22 साल की युवती को जिलाधिकारी अभय सिंह ने बेइज्जत कर किया बाहर, कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना को भी डिलीट करने के लिए कहा। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ वाराणसी में संतों ने किया प्रदर्शन, एड पर हुआ था विवाद, विरोध के बाद जावेद हबीब ने मांगी थी माफी। बिहार में गया कि आदित्य सचदेवा हत्याकांड में कोर्ट ने रॉकी यादव, टेनी यादव और बॉडीगार्ड राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई, आदित्य की मां नहीं चाहती थी हत्यारों को मिले मौत की सजा। सजा के ऐलान के बाद आदित्य सचदेवा के माता पिता ने कहा हम संतुष्ट हैं और कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। आदित्य सचदेवा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए रॉकी यादव के वकील अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है और वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। यूपी के बागपत में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला को अगवा कर उसके साथ रेप, नशीला पदार्थ खिलाफ घटना को अंजाम दिया गया, महिला को हाईवे पर ही फेंककर फरार हो गए बदमाश, पुलिस जांच में जुटी हुई है। झारखंड के रामगढ़ जिले में हाथियों का आतंक, हाथियों के झुंड ने दो लोगों की जान ली, गांव में फसल खराब कर रहे हैं हाथी, हाथियों के डर से ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र टी20 मैच जारी, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया है फैसला, 23 रन के स्कोर पर श्रीलंका को पहला झटका, श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना लिए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।